हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए आज की जो वीडियो है वो ओमेगा शीट पर है। ओमेगा शीट पे क्यों हमने वीडियो ये बनाई? हमने इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि देखिए राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए नए स्टूडेंट्स भी जा रहे होंगे जिनका ये पहला अटेम्प्ट होगा, या हम कहें कि एक से अधिक बार एग्जाम देने वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन उन दोनों लोगों से ओमेगा शीट भरने में गलती हो ही जाती है। वो जानबूझ के नहीं होती है, लेकिन हो जाती है गलती। अब वो गलती क्यों हो जाती है, कैसे उससे बचा जाएगा, क्या उपाय अपनाया जाएगा जिससे ओमेगा शीट हमारी गड़बड़ न भरी जाए, और कैसे हम क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट करेंगे? क्या ऐसा भी हम लोगों के साथ होता है कि भाई हमने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन गोला भरने की जब बारी आती है तो पता चला एक क्वेश्चन का आंसर अगर ए है ऑप्शन, तो हमारा गलती से बी ऑप्शन भरा जाता है, जबकि हमने आंसर सही मारा था वहां पर, लेकिन गोला गलत भरा गया जिसके कारण हमारा नंबर कट जाता है। तो हम ऐसी क्या उपाय अपनाएं जिसके कारण ये सब गलतियां ना हो पाए? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो हो सकता है कि जो आप गलती करके 2-4 नंबर गवा के आ रहे थे उसको आप बचा ले जाए। तो यहां एक एक क्वेश्चन पे लड़ाई है, तो अच्छे से वीडियो आप देखिए कि मैं आखिर इसमें क्या बताना चाहता हूं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लिखा है कि ओमेगा शीट भरने में यह गलती भूल कर भी ना करें। तो सबसे पहले तो हमें ओमेगा शीट देखनी होगी, तो आगे मैं ओमेगा शीट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रोल नंबर आप भरेंगे, कैसे नाम भरा जाएगा उसमें, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे किया जाएगा। आपको ये पता होगा कि राजस्थान जुडिशरी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें इंस्ट्रक्शन बताया गया था कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या फॉलो नहीं करनी है। तो उसमें इंस्ट्रक्शन में आपको ये बताया गया था कि जब ओमेगा शीट आप भरेंगे तो वो चाहे ब्लैक या ब्लू पेन से आप भरेंगे, ठीक है, दो में से कोई एक पेन लेंगे। हमारा ये मानना है कि आप दोनों लेके जाइए, लेकिन जब आप ओमेगा शीट स्टार्ट करेंगे भरना तो केवल एक पेन का यूज करिएगा। एक पेन आपके पॉकेट में रखना है या तो फिर कहीं अन्य जगह रख दीजिएगा, उसको हाथ में लगाइएगा, सिर्फ एक पेन से ही पूरा स्टार्ट करिएगा। तो यदि आपको ब्लू पेन से स्टार्ट करना है तो कम से कम 2 या 3 आपके पास ब्लू पेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पेन आपका धोखा दे जाए तो दूसरा पेन आप चले मांगने, तो मांगने वाली प्रक्रिया ना हो तो आप 2 या 3 ब्लू पेन लेके जाइएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन में यह भी बताया गया था कि जो ओमेगा शीट होगी, ये ओमेगा शीट होती है, जैसे ये आप दिख रहा है मेरे फोटो के पीछे आपको दिख रहा है कि ये ओमेगा शीट होती है, ये आपको 5 मिनट पहले मिलती है। जैसे मान लीजिए 10 बजे आपका एग्जाम होना है तो 9:55 पर आपको ये ओमेगा शीट मिलेगी और 5 मिनट में ही आपको ये सब फिल करना। तो चलिए जानते हैं कैसे फिल किया जाएगा। देखिए ये ओमेगा शीट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप गड़बड़ी कहां करते हैं। पहले आप ये समझिएगा आप क्या गड़बड़ी करते हैं। जल्दी जल्दी देखिए जिन स्टूडेंट्स की आदत बहुत तेज रफ्तार में होती है तो सबसे बड़ी गड़बड़ी उन्हीं के साथ होती है। तो कृपया करके तेज रफ्तार वाले अपनी रफ्तार उस समय जब वो एग्जाम दे रहे होंगे थोड़ी सी स्लो कर दीजिएगा। तेज जा रहे होंगे तो अपने मन को बताइए कि भैया रफ्तार तेज है, एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ एक्सीडेंट क्या होगा, एक्सीडेंट ये होगा कि आपने गलत गोला भर के चले आएंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ हमें बचना है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा यदि स्टूडेंट्स नेम होगा वहां अगर नेम लिखने के लिए आ रहा है आपके ओमेगा शीट में तो अच्छे से आप नाम लिखिएगा, जो भी नाम होगा यहाँ पे पूरा नाम आएगा। जैसे मान लीजिए आपका 2 शब्द का नाम है, ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे आप यहां एक लिखेंगे फिर स्पेस देंगे फिर लिखेंगे आप, ठीक है। जैसे मेरा नाम है शिवेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, तो यहां मैं शिवेंद्र लिखूंगा कैपिटल लेटर में, ध्यान रखिएगा यहां मैं शिवेंद्र लिखूंगा, जैसे SHIVENDRA, ठीक है, शिवेंद्र हो गया। अब शिवेंद्र लिखने के बाद यहां एक स्पेस रहेगा, फिर मैं क्या लिखूंगा प्रताप, PRATAP, प्रताप, फिर स्पेस दूंगा, फिर क्या करूंगा SING, ठीक है। अब देखिए अधिकतर वीडियो देखने वाले लोग ये कह रहे होंगे भाई ये सब तो जनरल चीज है, ये मुझे पता है,
मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन आप में से ही काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अनभिज्ञ होंगे इन सब चीजों से, उनका पहला अटेम्प्ट होगा। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए भी है कि आप कैसे बचेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जैसे नाम हो गया मेरा शिवेन, फिर स्पेस, फिर प्रताप, फिर स्पेस, फिर से, ये ना तीन शब्द का नाम है, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये सभी कैपिटल लेटर में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, एस है तो यहाँ एस ढूंढिए, कहाँ एस है तो यहाँ आराम से इसको गोला कर लीजिए। एच है तो यहाँ पे एच ढूंढिए कि एच कहाँ है, आराम से इसको गोला कर दीजिए। मतलब ये कि जो लेटर अपना नाम लिखा है तो एस का है तो एस ढूंढिए, एच है तो एच ढूंढिए, आई है तो आई, इसको बहुत ही संभाल के इत्मीनान से इसको काम करिएगा, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब जो बुकलेट मिलेगी आपको, अब कौन सी बुकलेट मिल रही है, ये जब आपका 10 बजे होता है, जब आपका एग्जाम शुरू होता है तब जाके बुकलेट मिलती है, तब तक के लिए इस पे सब छोड़े रहिए। जब बुकलेट मिल जाएगी तो आप देखिए कि भाई कौन सी सीरीज मिली है, भाई ए होती है, बी होती है, सी होती है, डी होती है, अब उसमें से देखिए कि कौन सी सीरीज है। मान लीजिए आपकी बी सीरीज है तो सेट आराम से भरिएगा ये बी है। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप गोला भर रहे हैं ऐसा ना कर लीजिएगा कि बस ये हो गया गोला गया, नहीं ऐसा मत करिएगा गलती, यहां पे आपको पूरा गोला भरना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं, मैं यहां पे एक गोला भरता हूं, ये मान लीजिए गोला, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ भरना है, फिल करना है, मैं कर लेता हूं कि ये क्या हुआ, अब ये करके मत चले आइएगा आप कि हाफ ऐसे करके मत चले आइएगा, ये गलत तरीका है। चाहे आप अपना नाम भर रहे हैं, चाहे सेट भर रहे हैं, चाहे रोल नंबर भर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसे आपको गोला फिल नहीं करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा ये कवर होना है, ठीक है, ये आप जानते रहिए, ये पूरा कवर करना है, तब जाके ये एक सही आपका सर्कल माना जाएगा, ठीक है। ये आप जानते रहिए, ये कहीं भी आप करेंगे गोला, या आप समझे रहिए, सबसे पहला तरीका आप ये समझे रहिए, ठीक है। चलिए आते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये अपना नाम हो गया, सेट हो गया, कौन सा सेट है, बी सीरीज है, ए है, सी है, डी है, कौन सी सीरीज है, वहां फिल करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोल नंबर, जहां अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं। सबसे पहले आप लिखना सीखिए कि रोल नंबर आप लिखेंगे कैसे। मान लीजिए आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर आपका है ये कर लेते हैं 2467895, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये आपका रोल नंबर हो गया। अब आप भरेंगे कैसे, अब आपको भरना होगा, यहां से स्टार्ट करिए, जो लास्ट वाला है इसको फिल करिए यहां से 5987642, ठीक है, ऐसे आप भरेंगे। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए एक कॉलम यहां पे होता, अच्छा एक मिटा देता हूं मैं, तब समझ में आएगा, यहां भी मान लीजिए यहां यहां ये तो आप क्या भरते, 6 हो गया, 4 हो गया, यहां अब ये कलम छूटा, अब इसको 0 ऑफ कर दीजिए, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिए। रोल नंबर अगर आपका इतना ही है तो आपने इतना भरा, यहां से शुरू किया आपने, 895 था, 5 यहां से शुरू किया, यहां से आप उल्टा चले हैं, ध्यान रखिएगा, सीधा यहां से मत चलिएगा, यहां से इसलिए आप गड़बड़ कर देंगे क्योंकि मान लीजिए कि आपका यही तक आकर रुका, मान लीजिए 4678895, फिर यहां क्या होता, फिर आप यहां क्या भरते, यहां 0 भरते, ये गड़बड़ हो जाता, ठीक है। इसीलिए हमेशा यहां पीछे से शुरू करते हैं, इकाई से दहाई की तरफ, आपने पढ़ा होगा मैं, इकाई से दहाई की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये कॉलम भरते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हुई बात। फिर आपको क्या भरना होता है,
बाकी चीजें तो नहीं इंपॉर्टेंट, रोल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर रोल नंबर गड़बड़ भर दिया आपने तो पूरा का पूरा एग्जाम खत्म, ठीक है। तो रोल नंबर में क्या करेंगे, जैसे जीरो है तो इसके नीचे जीरो, फिर फोर है तो फोर है ऐसे सर्किल, फिर सिक्स ऐसे, बहुत ही इत्मीनान से करिएगा, जीरो के सामने जीरो, फोर के सामने फोर, ऐसे करके एक उंगली करके कर लीजिएगा, आराम से करिएगा, कहीं से गड़बड़ी ना हो, बहुत भी इत्मीनान से। अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचिएगा, कहीं और दिमाग मत घिड़ाइएगा कि यहाँ क्या हो गया, वहां क्या हो गया, घर में ऐसे हो गया, बाहर ऐसे, कुछ नहीं। सिर्फ आपके पास दो घंटे हैं तो पूरा दो घंटा आप एग्जाम हॉल में रहेंगे, कहीं बाहर नहीं, ऐसा ना हो कि शरीर तो आपकी उपस्थित है एग्जाम हॉल में लेकिन मन और मस्तिष्क कहीं और घूम रहा है, तब जाके आपकी यहां गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं होगा आप राजस्थान जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे एग्जाम देने, मान लीजिए अन स्टेट से आप जाते हैं, अदर स्टेट से जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वहां तक जाना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इत्मीनान से आप ये सब चीजें गोला फिल करेंगे, कैसे फिल करना है मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। तो इत्मीनान से ये सब चीजें भरेंगे। अब क्या नहीं करना, अब ये समझिए, ऐसा आपके साथ ना हो जो मैं बताने जा रहा हूं। यदि गड़बड़ हो गया तो अब लगे आप उसको काटने, काटना नहीं है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे काट नहीं सकते हैं, दूसरी चीज कि अपने नाखून से खुरेच नहीं सकते हैं, रबर का यूज नहीं कर सकते हैं, हाइलाइटर का यूज नहीं किया जाएगा, ये सब चीजें मनाही है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार भरिएगा, आराम से भरिएगा, मन मस्तिष्क को वहीं पर रखकर आराम से गोला को फिल करिएगा, ठीक है। तो ये हुई बात गोल नंबर की। अब हम आते हैं क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए काफी लोगों का क्या होता है कि वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, मान लीजिए कि उनके पास कितने हैं, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, और वो क्या करते हैं पूरा 100 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है ना, वो मिला क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करते चले गए, टिक-टिक लगाते चले गए, लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं, अब चलेंगे गोला बनने, वहां पर कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, ऐसे करके गोला बनना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है, ऐसा कभी मत करिएगा। क्यों गलती है, गलती इसलिए कि मान लीजिए आपका टाइम कम हुआ, आप जल्दबाजी में गोला भरने में, भरना कोई और है और भर दिया आपने कोई और गोला, तो ये काम मत करिएगा। करेंगे क्या, अब आप समझिए 100 क्वेश्चन है, देखिए ये काम छोड़ के कोई और काम जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं आप वही करिए, आप अपने तरीके से भी जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, मगर ये वाला काम मत करिएगा, ये रिस्की है, बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या करना है, अब आप ये समझिए जो हम लोग करते थे, आप समझिए क्या करना है। 100 क्वेश्चन मान लीजिए आपका आता है एग्जाम में, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए कि 50 क्वेश्चन आप क्या करिए फिल कर ले जाइए, ठीक है, 50 क्वेश्चन आप फिल कर ले जाइए। 50 क्वेश्चन करने के बाद आप आ गए 50 क्वेश्चन तक, यहां तक मान लीजिए आ गए, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने के बाद अब आप बचा कितना, 50 और बचा है, 50 में कितना करना है आपको, 50 और करना है, अब 25-25 का सेट उठाइए, 25 क्वेश्चन आपने किया, फिर 25 गोला फिल करिए, फिर आप करिए 10 उसमें से, फिर 10 करिए, फिर गोला करिए, फिर 10 करिए, फिर गोला करिए, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा कंप्लीट करिए। क्या होता है कि आप इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने क्या किया, क्वेश्चन बुकलेट था आपका, उस पर आपने गोला ऐसे निशान बना दिया कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, ये ऐसे करके आपका 50 क्वेश्चन हो गया। तो आप आराम से कर सकते हैं कि पहले का हमने क्या मारा, ये मारा सी मारा, दूसरे का क्या किया बी है, तीसरे का सी है, कंफर्म ये इत्मीनान तो रहेगा आपके पास कि हाँ हमने कंफर्म 50 क्वेश्चन तो कर दिया, अब उधर नहीं जाता है, अब उसके बाद 25 कर ली जाइए, फिर 10 करिए, फिर 10 करिए, फिर 5 कर ली जाइए, ठीक है। ऐसे करके आप अपना गोला जो है वो फिल कर सकते हैं, या कोई अन्य तरीका भी है आपके पास अच्छा तो आप उसको भी अपना सकते हैं, लेकिन जो हमने कहा कि 100 क्वेश्चन आप कर ली जाइए, उसके बाद लास्ट में 100 क्वेश्चन आप फिल करिए, ये सबसे बड़ी गलती है, ये भूल कर भी मत करिएगा।
तो ओवर शीट में दो ही तीन चीजें हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला रोल नंबर है, अच्छे से भरिएगा। जो कॉलम है ये रोल नंबर का संख्या भरना है, उसको अच्छे से भरिएगा। उसके नीचे जो है आपका गोला सर्किल करना है, उसको बढ़िया से भरिएगा। सेम काम आप नाम में करेंगे, नाम भरना होगा तो नाम भरिएगा, नाम यहाँ लिख दीजिए स्पेस देके, फिर अच्छे से इसको फिल कर दीजिएगा। कौन से सेट है ये अच्छे से भरिएगा, पता चला बी सेट मिला है आपने एक कर दिया तो वहां गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आराम से करिएगा। साइन रहेगा, साइन अच्छे से करिएगा वहां पर अपना। इस तरह हमने ओमार शीट के विषय में जो जरूरी जरूरी बातें हैं वो हमने आपको बता दिया। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी ओमार शीट के विषय में पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए जो आपके मन में है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं पता है, इसके विषय में मुझे जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाकर आप तक वो जानकारी पहुंचा दी जाए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, राजस्थान जुडिशरी ही नहीं बल्कि अन्य स्टेट की यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।